नमस्कार वेलकम टू अवेकनिंग विद सिस्टर शिवानी हमारे साथ है वेलकम सिस्टर। सिस्टर ओम ओम शांति। शांति। आज हम uh, मुरली पढ़ने वाले हैं आज की मुरली का टाइटल है संतुष्ट मणि बन संतुष्ट मणि संतुष्ट मणि मतलब कंटेंटेड सोल संतुष्ट मणि बन विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो हरेक संतुष्ट मणि परमात्मा के भी प्यारे दुनिया के भी औरों के भी प्यारे अपने भी प्यारे जहां संतुष्टता है वहां अप्राप्त कोई वस्तु नहीं संतुष्टता की शक्ति स्वतः और सहज चारों ओर वायुमंडल फैलाती है जहां संतुष्टता है वहां और विशेषताएं स्वतः आ जाती हैं इट इज लाइक अ फाउंडेशन क्वालिटी जैसे बीज। ये बीज है जहां ये संतुष्टता है आप देखो अगर आप संतुष्ट हैं, मतलब कोई हलचल नहीं है स्टेबल है तो पेशेंस आ गई शांति पीस आ गई एक्सेप्टेंस आ गई तो रिस्पेक्ट करना नेचुरल हो गया एवरीथिंग विल स्टार्ट कमिंग ऑन इट्स ओन और एक हलचल आ गई तो इरिटेशन भी आ गई गुस्सा भी आ गया किसी बात से हर्ट भी हो गए सारी चीजें कनेक्टेड है तो जहां संतुष्टता है वहां और विशेषताएं स्वतः ही आ जाती हैं संतुष्टता की स्थिति परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी है कितनी भी परिस्थिति सामने आए लेकिन संतुष्ट मणि के आगे हर समय माया और प्रकृति मतलब परिस्थिति एक पपेट शो की तरह दिखाई देती है इसलिए संतुष्ट आत्मा कभी परेशान नहीं होगी परिस्थिति का शो मनोरंजन अनुभव होगा ये मनोरंजन अनुभव करने के लिए अपने स्थिति की सीट सदा साक्षी दृष्टा की चाहिए डिटैच ऑब्जर्वर एंड डिटैच ऑब्जर्वर मतलब क्या डिटैचमेंट मतलब क्या कि उनकी मन की स्थिति का असर हमारे मन की स्थिति पर नहीं हो सी डिटेचमेंट दिस ऑल्सो बिकम वेरी डिफिकल्ट टू पॉसिबल कि अगर मेरी बीवी और मेरा बेटा दोनों को मैं देखता हूं तो उन दोनों की बातों का असर मेरे मन पर ना हो असर आपके मन पर ना हो मतलब जैसे आपने कहा जैसे दो लोग झगड़ा कर रहे हैं आपका रोल क्या है आपका रोल एज अ पेरेंट गाइड फ्रेंड फेसिलिटेटर क्या होना चाहिए उनको हेल्प करके उस दर्द से उस झगड़े से बाहर निकालना लेकिन अगर आप ही उन दोनों के साथ झगड़ा करने लग गए तो फिर तो फिर झगड़ा खत्म होने की बजाय और भी बढ़ जाएगा और अगर मैं ये बोलता नहीं रहूं राइट तो और बात बढ़ जाती है तो डिटैचमेंट मीन वो सीन का प्रभाव उस आत्मा का प्रभाव मेरे मन पर नहीं पड़ा और ये हम सबके साथ होता है सारा दिन में इट्स नॉट दैट हम सारा दिन डिस्टर्ब हो रहे हैं वी हैव टू जस्ट सी वी टू बी अवेयर देर विल बी टाइम्स जब आपकी फैमिली में कोई अपसेट है कोई परेशान है कोई एकदम यू नो इरिटेट हो रहा है एंड आप एकदम उसकी स्थिति का असर आप पे नहीं होगा और आप आराम से बात करके उसको आराम से सही राय देंगे ये होता है ना ये होता है सबके साथ होता है अब सिर्फ ये है ये होने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है ये प्रैक्टिस करनी है अभी मुझे फोन आया था सिस्टर घर से कि हस्बैंड वाइफ मेरे घर पे काम करते दोनों की लड़ाई हो गई वो हस्बैंड काम पे नहीं आ रहा खाना नहीं खा रहा कहीं बाहर घूम रहे तो क्योंकि मैं घर पे नहीं था और क्योंकि मैं झगड़े में इन्वॉल्व नहीं हुआ तो मैं इतनी अच्छी राय दिया <laughs> मैंने वाइफ को बोला तुम तो एक काम करो चुप बैठ जाओ किसी के बीच में मत जाओ घर तो चल रहा है ना घर में कोई है भी तुम अकेले हो इस वक्त

एंड डिटैच थोड़ा डिस्टर्ब भी तो होता था अगर सामने रहता क्योंकि आप उस सीन के साथ अटैच और उसकी स्थिति का प्रभाव आप पर पड़ता ऐसे कैसे छोड़ के चला गया बताया क्यों नहीं ये कोई तरीका है स्टाफ है बोल के जाना चाहिए मैं कहाँ ढूंढू उसको क्या उनकी स्थिति का असर आपके ऊपर जब पड़ा तो राय फिर बदल जाएगी दैट्स वाई साक्षी दृष्टा ये अब हमें अब जैसे यहाँ बैठकर पहले स्थिति ठीक थी तो राय भी ठीक थी वैसे ही इसको वहाँ प्रैक्टिस करना है कि कोई परिस्थिति है मुझे पहले किस पर अटेंशन रखना है अपनी स्थिति पर मैं नहीं उसके अंदर ऐसे बह जाऊँ और उसको हलचल में आ जाऊँ क्योंकि फिर मैं सही डिसीशन नहीं ले पाऊँगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है बातें आती हैं बातें चली जाती हैं जैसे अभी ये इतनी सी बात ये बात आएगी ये बात कल चली जाएगी लेकिन हम कितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं ये सब छोटी छोटी चीजों का ही तो मन की खुशी पर असर हो रहा है मन की खुशी कहाँ जाती है ये बातें आती हैं हम हलचल में आते हैं बातें तो चली जाती हैं लेकिन हम तो हिल गए ना कोई चीज रोज हिलेगी सपोज ये टेबल है यहां से जो भी क्रॉस होगा ये टेबल हिलेगी hmm. वो जो क्रॉस होगा वो तो आएगा और चला जाएगा लेकिन ये टेबल हिली फिर पाँच मिनट बाद कोई आया गया टेबल हिली अब रोज दस लोग आएंगे जाएंगे टेबल बार 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 हिली करेक्ट से आ जाएंगे ना तो बातें आएंगी जाएंगी और उस बात को क्रॉस करने के लिए भी सबसे पहला तरीका क्या है ये स्टेबिलिटी ही डिटेचमेंट है स्टेबिलिटी डिटैचमेंट है डिटैचमेंट डीन स्टेबिलिटी ही संतुष्ट संतुष्टता है मतलब हलचल में नहीं आए दो ही चीजें हो सकती है ना। पर फर्क है ना दो वर्ड्स अलग अलग कंटेंटमेंट एंड स्टेबिलिटी दो अलग वर्ड एक्चुअली द एक्सपीरियंस मींस मन में कुछ actually, दो ही ऑप्शन है या तो मन ऐसे ऐसे हो रहा है क्यों क्या ऐसे वैसे या मन अच्छा ठीक है अच्छा अब क्या करना है अच्छा हो गया ना अब क्या सोल्यूशन है ये या तो ऐसे या फिर ऐसे या तो क्वेश्चन में या सोल्यूशन पर दो ही तो ऑप्शन है और उसको वर्ड्स हम बहुत सारे दे सकते हैं सिस्टर कभी कभी कोई आके बात करके कंप्लेन सुनाता है ना तो मैं मैं भी वो यार ना सीधा तो करो तो उनकी स्थिति का प्रभाव हमारे ऊपर आ जाता है ना वो आ जाता है नहीं अभी हम नहीं बोलेंगे कि आ जाता है हम कहेंगे हम हो जाते हैं अच्छा आ जाता है नहीं हम हो जाते हैं आ जाता है मतलब क्या हुआ

थोड़ा सा पता होता है कि जब हम इनसे मिलते हैं या कोई बात होती है या इनका ऐसा संस्कार है तो हम ऐसे हो जाते हैं तो मेडिटेशन मीन्स स्पिरिचुअलिटी मीन्स आज सुबह हम उस इंटरेक्शन के लिए उस मीटिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि आज जब हम उनसे मिलेंगे हो सकता है उनका वही वाला संस्कार होगा टुडे आई फेस इट अ डिफरेंट वे दिस प्रैक्टिस If I keep saying, आ जाता है हो जाता है which means is in अगर एक आदमी ऊंचा बोलने लगा तो दूसरा भी बोलने लगता है हाँ, तो एक ने क्या किया दूसरे का सबकी प्रभाव दूसरे पर हो गया इट hmm. एक ऊंचा बोले hmm. या ये भी हो सकता है सारा सारे ऊंचा बोले लेकिन एक शांत hmm. रहे हमारा एम ये नहीं है कि हमें उनको चेंज करना है hmm. हमारा एम पहले क्या है उन सब का प्रभाव हम पर नहीं पड़ना चाहिए कितना रॉयल है ना ये कितना रॉयल हमें हम पर प्रभाव ना पड़े फिर हमारा उन पर पड़े तो भले नहीं भी पड़े तो इट्स ओके इट्स ओके आप एक ऑफिस में काम करते हैं स्टाफ के साथ हैं परिवार के साथ हैं हलचल में वो हो हम अचल रहे स्टेबल रहे दिस इज रॉयल्टी एंड दिस इज हैप्पीनेस दिस इज कंटेंटमेंट दिस इज हेल्थ

फिजिकली जुड़े हुए हैं दो बच्चे जुड़े हुए पैदा हुए हैं ना उसको जो हम कहते हैं को जुड़े हुए हैं हाँ, लेग से या हाथ से कहीं जुड़े हुए हैं तो वो दोनों के पास इंडिपेंडेंस नहीं है बैठना है तो दोनों को कट्ठे बैठना है चलना है तो कट्ठे चलना है एक बैठे दूसरा चले गिरे तो दोनों गिरे, गिरे, तो, दोनों गिरे। तो दोनों गिरे उठे तो दोनों उठे अब अलग किया उनको सर्जरी की तो अब क्या होगा एक बैठेगा दूसरा खड़ा हो सकता है और उसको उठा भी सकता है हाँ मतलब फर्स्ट इंपोर्टेंट यह है कि दोनों के पास सेपरेशन है अब चॉइस है कि आप बैठो मैं चल सकता हूं पहले नहीं था आप बैठे तो मुझे भी बैठना पड़ेगा ये फिजिकल अटैचमेंट इमोशनल अटैचमेंट यहां से यहां हम जुड़े हुए हैं मैं रो तो वो भी रो दिया हाँ मैं गुस्सा वो भी गुस्सा मैं अपसेट तो वो भी अपसेट अपसेटी अब डिटैचमेंट तो हाँ, हाँ, अब डिटैचमेंट मीन वो दुखी ठीक तो मैं उसको ठीक भी कर सकता करेंगे डेफिनेटली डेफिनेटली करेंगे definitely करेंगे तो ये डिटेचमेंट रिश्तों में फैमिली में बेनिफिशियली होगी ना हमेशा ना लोग डरते हैं कि हम डिटैच हो जाएंगे तो फिर क्या होगा वो डिटैचमेंट बाह्य होती है जो हम अंदर से नहीं कर पाते हम बाहर करते हैं हम ज्यादा इकट्ठे नहीं बैठेंगे हम बात नहीं करेंगे दिस इज नॉट डिटैचमेंट सिस्टर ये मुरली सुनने का मेरा नजरिया ही बदल गया अभी मैंने आज नोटिस किया सुनते सुनते कि मुरली से हम हाँ कितने छोटी 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 बात भी सीख सकते हैं ना जीवन की बड़ी तक hmm. अब देखो यही सारी बातें हम अवेकनिंग में आज तक करते आए हैं ना तो ये सारी बातें कहा से आ रही हैं कितने परमात्मा गोहिया से गोहिया बातें सारी बताती है मेरा यूजली यही होता था मुरली हो ग्लास हो तो कुछ बड़े बड़े संस्कृत के श्लोक और बड़ी बड़ी बातें लेकिन ये कितना मजा आ रहा है सुन के क्योंकि लाइफ को ये आ, कितना आसान कर देता दे है जीने को और एक हैवी बर्डन जो था आ, हाँ। सुनते सुनते मैं हल्का फील हलका। कर रहा हूँ तो इसीलिए परमात्मा ने कहा ये मनोरंजन अनुभव करने के लिए अपनी स्थिति की सीट सदा साक्षी दृष्टा चाहिए डिटेच ऑब्जर्वर दृश्य कितना भी बदलता है लेकिन साक्षी दृष्टा की सीट पर स्थित रहने वाली संतुष्ट आत्मा साक्षी हो हर परिस्थिति को स्वस्थिति से बदल देती है वेरी इंपॉर्टेंट लाइन अच्छा ऐसा हो सकता है हाँ। कि मेरी दृष्टि से परिस्थिति बदल जाए। दृष्टि मतलब स्थिति आपकी हाँ। सपोज घर में थोड़ा केस है कोई परेशान है कोई अभी जैसे आपने कहा हाँ। कि फोन आया उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हुआ ऐसे ऐसे हुआ फिर ऐसे क्या करें आप उस टाइम कैसे थे साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट थे hmm. संतुष्ट थे मतलब हलचल में नहीं आए। तो आपकी स्थिति मिनट, वो भी फोन पे, hmm. अलग शहर में लेकिन वो स्थिति ने क्या किया परिस्थिति को भी hmm. बदल दिया हाँ उनकी परिस्थिति तो बदल गई क्योंकि वो शांत हो गए दिस इज ऑल शांत होना मतलब आ, परिस्थिति भी बदल जाना ऑपोजिट भी हो सकता था ना हाँ मैं फोन करता हूँ बुलाओ उसको बात करो तो हमेशा 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 दो ही ऑप्शन है या तो और बात बिगड़ सकती है या बात एकदम हल्की होकर ठीक हो जाएगी दोनों चीजें किस पर डिपेंडेंट है हमारी स्थिति तो स्थिति से परिस्थिति बदल जाती है हम आज दिन तक समझते थे परिस्थिति से स्थिति बनती है बात ही ऐसी थी ना तो मैं डिस्टर्ब हो गया बात ही ऐसी थी ना तुम्हें तो परेशान हो गया परिस्थिति से स्थिति एक्चुअली दूसरी लाइन भी है ना बात का बतंगड़ बना हाँ, तो बात हम से, भी तो का पहाड़ बनाते दिया है ना अपनी अगर स्थिति ठीक नहीं हो तो राय का भी पहाड़ बन जाता वो कैसे बनता है बात इतनी थी उससे हम डिस्टर्ब हुए फिर हमने डिस्टर्ब होकर बात को क्या कर दिया और डिस्टर्ब करके और बढ़ा दिया तो परिस्थिति से स्थिति नहीं करनी स्थिति से परिस्थिति पर प्रभाव समझ के तो हरेक अपने को चेक करे मैं सदा संतुष्ट हूं सदा hmm. मतलब हमेशा सदा है या कभी कभी है <laughs> सदा शब्द सदा याद रखना सदा बहुत इंपॉर्टेंट है कभी कभी नहीं जहां सर्व प्राप्ति है वहां कभी कभी शब्द नहीं हो सकता है एक्चुअली सन... जब आप पढ़ रहे थे तो मेरे मन में आता कभी 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 हाँ हम सब अभी कभी कभी पर है पर गोल आप बोलते हैं ना गोल परमात्मा ऐसे नहीं कहता संतुष्ट मतलब आगे संतुष्ट नहीं वो तो हर रोज हमें गोल देता है हाँ अब ये गोल है अब इस गोल की तरफ बढ़ना है कि अभी कैसे होगा सपोज हम कभी कभी होते हैं तो हमें लगेगा हो मेरे अंदर तो बहुत चेंज आ गया आजकल कभी कभी मैं डिस्टर्ब नहीं होती लेकिन परमात्मा ने कहा कभी कभी नहीं क्यों कभी कभी से नहीं होगा सिचुएशंस घर आती जाएंगी समय बदल रहा है कभी कभी भी अगर संतुष्ट हैं लेकिन कभी कभी डिस्टर्ब है डिस्टर्ब होने का संस्कार पुराना और कड़क है पुराना और कड़क है इट्स लाइक शांति और गुस्सा सपोज पांच बार पीसफुल है पांच बार गुस्सा किया फिर कल भी पांच बार पीसफुल पांच बार गुस्सा अब गुस्से का संस्कार कड़क है बहुत समय से यूज हो रहा है और वातावरण में है औरों के संस्कारों में भी है तो अगर कुछ दिन तक पांच बार पीस पांच बार गुस्सा पांच पांच बार बार शांति, गुस्सा हुआ ना तो हफ्ते बाद चार बार शांति छह बार गुस्सा हो जाएगा mm -hmm. फिर उसके बाद तीन बार शांति सात बार गुस्सा हो जाए तो चांसेस ऑफ इन टू द ओल्ड संस्कार इज वेरी हाई इसीलिए लक्ष्य रखना होता है कि पांच बार है पांच बार है ना तो कल और.

शांत वाले का असर तो है ही है लेकिन पांच में से एक बार भी जो गुस्से वाला था ना वो जीवन भर के लिए नुकसान दे सकता है नुकसान देता है अगला रिश्ता टूट सकता है चीजें मतलब बात वो तो एक बार ही बेबी हो सकता हाँ, है ना तो फिर वो, वो, वो रिस्क तो यहाँ ज्यादा है रिस्क है और वनरेबिलिटी ऑफ फॉलिंग बैक टू दी ओल्ड पैटर्न बहुत हाई है रिस्क रिलेशनशिप जो आप बात कर रहे हो वो तो एक बार वो तो जीवन में कई बार एक बार से हो जाएगा कई बार हम हमेशा चल रहे हैं ठीक चल रहे हैं अच्छा कोई एक बार भी कोई बहुत बड़ी ऐसे हमने कुछ कह दिया मिस्टेक कर दी वो तो लेकिन अब ये होता है कि अगर गलती हो भी गई है ना मिस्टेक हो भी गई है अगर आप उसके बाद भी उसको अब ठीक कर सकते हैं पुराने रिश्ते जहाँ कॉन्फ्लिक्ट बहुत सूच मुझा हुआ है पुराना पुराना अब अगर उनके प्रति सही वाइब्रेशन क्रिएट करें हम उनको अब ठीक करना शुरू कर सकते हैं पुरानी बातों को भी अब ठीक करना चाहिए इट्स इम्पोर्टेंट अब हम गलत नहीं करेंगे इस वन पार्ट लेकिन व्हाट अबाउट पुरानी गलतियां उनको भी ठीक करना है विच विल हैपन बिकॉज अंदर से उस आत्मा के प्रति अब क्लीन हो जाओ यहाँ वाइब्रेशंस ही अच्छे जाएंगे ना वेरी इंपोर्टेंट अच्छे वाइब्रेशन जाने से वो सारी जो कॉन्फ्लिक्ट इंटैंगलमेंट हुई हुई है सी वॉट इज हैपनिंग बिटवीन टू सोल्स एनर्जी एक्सचेंज ही तो है ना एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है सपोज किसी के साथ मेरा कुछ ज्यादा हो गया बातचीत ही बंद हो गई या नहीं है अब बात बंद हो गई लेकिन अंदर से तो वो चल रहा है अब हम एक जना एनर्जी चेंज कर ले अपने जोवर इट्स फिनिश्ड आज से उनके प्रति एक भी गलत थाट नहीं वो एनर्जी डिफरेंट देनी शुरू कर दे ये तो कॉन्फ्लिक्ट डिसॉल्व हो जाएगा जो यहां था कॉन्फ्लिक्ट तो एनर्जी का है ना सिर्फ और कोई कॉन्फ्लिक्ट क्या है दो लोगों के बीच में दो लोगों की सोच वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है दो लोगों की सोच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है एक भी अपनी सोच को बदल ले कॉन्फ्लिक्ट आधा डिजोल्व हो गया बाकी आधा उस आत्मा पे डिपेंड करता है वो जब करे लेकिन एक ने भी कर लिया तो आप अपने लिए बच गए पुराने जो गलतियां किए हुई हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पुरानी बातें जो हुई हुई हैं उनके प्रति भी अब सही सोच हमारे अंदर की क्लीनलीनेस करता जाएगा बहुत ज्यादा एंड आत्मा की पावर को बढ़ाता जाएगा परमात्मा ने कहा संतुष्टता की लाइट फैलाओ संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना अभी तक संतुष्ट रहना था अभी सेकंड संतुष्ट रहना और संतुष्ट सेकंड तो सदा है सदा तो है ये स, <laughs> सदा सदा है सदा रहना है। थर्ड है। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना कई बच्चे कहते हैं संतुष्ट रहना तो सहज है लेकिन संतुष्ट करना ये थोड़ा मुश्किल लगता है तो बाबा ने कहा अगर हर आत्मा को संतुष्ट करना है तो उसकी विधि भी बहुत सहज साधन है अगर कोई आपसे असंतुष्ट होता है या असंतुष्ट रहता है तो वो भी असंतुष्ट लेकिन आपको भी उसकी असंतुष्टि का अगर प्रभाव पड़ जाता है तो फिर आप भी असंतुष्ट हैं तो हाँ हम दूसरों को सबको संतुष्ट कई बार नहीं कर पाते क्यों नहीं कर पाते क्योंकि उनकी संतुष्टता उनके संस्कार पे डिपेंडेंट होने वाली है अगर आप सही सोच रहे हैं सही बोल रहे हैं सही कर्म कर रहे हैं उनके प्रति अच्छी थॉट्स भी क्रिएट कर रहे हैं अच्छी सपोज सब कुछ एक साइड से बिल्कुल परफेक्ट भी हो गया लेकिन उस आत्मा के भी तो अपने संस्कार है आपकी वाइब्रेशन का उन पर पड़ असर पड़ेगा लेकिन अगर उनके अपने संस्कार बहुत कड़क है कोई रिजेक्शन के अनएक्सेप्टेंस के तो वो संतुष्ट नहीं होंगे आपसे नहीं, आ, असंतुष्ट रहने ओपिनियन तो <laughs> अलग है नहीं, बट वैसे ही, दुनिया में हर चीज बुरी लगती है किसी लोगों को असंतुष्ट वो है? है। नहीं है असंतुष्ट क्या है मैं आपसे असंतुष्ट मीन्स किसी भी सिचुएशन में किसी भी बात में आपका ओपिनियन मेरा ओपिनियन डिफरेंट है इफ आई एम वेरी अटैच टू माई ओपिनियन ऑफ बींग राइट मेरा ओपिनियन ही राइट right है तो फिर मैं आपके ओपिनियन से संतुष्ट नहीं आपके काम करने के तरीके से संतुष्ट नहीं क्योंकि मुझे लगता है विच इज द राइट वे जो मेरा करने का तरीका है अब ये आज बहुत बहुत सारे लोगों का ये संस्कार है कि हमारा तरीका राइट है हमारी सोच हमारा बोल हमारा व्यवहार हमारा काम करने का तरीका राइट है दूसरे का गलत है मैं राइट वो गलत होने से मैं उनसे संतुष्ट नहीं हो सकती मैं मैं छोटा तब से, मेरे कान में ही थी आजकल के बच्चे hmm. आजकल के बच्चे मेरी माँ भी बोलती थी दादी भी बोलती थी आजकल के बच्चे अब मैं भी वही बोलू आजकल के hmm. बच्चे राइट इट्स नॉट एक्चुअली आजकल के बच्चे इट दूसरे मतलब इनका Wrong है हमारा जमाना सही था बट yeah, एक्चुअली होता क्या है वो आत्मा का और मुझ आत्मा का संस्कार अलग अलग है अलग अलग है एज फैक्टर है एक्सपीरियंस फैक्टर है लेकिन आत्मा और आत्मा का संस्कार अलग अलग है तो इसलिए अगर किसी के अंदर वो असंतुष्टता है आप कुछ भी करें वो आपसे संतुष्ट नहीं हो पा रहे तो बाबा ने कहा वो असंतुष्ट है ठीक है लेट्स ऑल्सो एक्सेप्ट वो असंतुष्ट है तो ऑलरेडी उस तरफ असंतुष्टता है आप उस असंतुष्टता का अपने ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने देना नहीं तो फिर आप भी कैसे हो जाएंगे असंतुष्ट तो इसलिए वी मे नॉट उसको हम परिस्थिति समझ सकते हैं दूसरे का सर एक आदमी मेरे से असंतुष्ट है ये एक परिस्थिति है तो उस परिस्थिति का मुझ पर असर मैं नहीं होने दू क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या तो उनका आप पे असर होगा या आपका उन पर असर होगा क्योंकि हम भी अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं थोड़ा कमजोर हैं तो नेगेटिव का असर हम पे जल्दी हो जाता है लेकिन जैसे ही नेगेटिव का असर हम पे हुआ हम भी नेगेटिव हुए तो फिर वो पिंग पोंग एनर्जी एक्सचेंज नेगेटिव की शुरू हो गई अब ये सेकेंड स्टेप पुरुषार्थ करना है वो असंतुष्ट हैं तो मुझे क्या करना है उनकी असंतुष्टता को भी एक्सेप्ट करना है कि मैंने इतना किया इनके लिए मैंने ये सब भी किया मैंने घर के लिए किया मैंने अपने ऑफिस के लिए दिन रात काम किया लेकिन वो मेरे से संतुष्ट नहीं है इट्स ओके इट्स ओके इंस्टेड ऑफ क्यों नहीं है इतना किया फिर भी तो क्या होगा मैं भी भारी वो भी भारी एनर्जी फिर वी विल स्टार्ट दैट नेगेटिव तो ये सेकेंड स्टेज पुरुषार्थ कि वो असंतुष्ट हैं लेकिन वो असंतुष्ट हैं आप उसका प्रभाव अपने पर नहीं पढ़ने देना व्यर्थ संकल्प चलाना नहीं जो बाबा ने शुभ भावना शुभ कामना का मंत्र दिया है अगर अपने आप को इस मंत्र में स्मृति स्वरूप रखो तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे बाबा ने शिव परमात्मा ने मंत्र दिया है ना कि हर आत्मा के प्रति कैसा सोचना है शुभ भावना शुभ कामना हो जाएंगे वो भी धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेंगे और अगर नहीं भी करते हैं आई कैन डू एनी थिंग अबाउट इट आई कैन चेंज देम तो कैसी थॉट्स क्रिएट की अच्छी वाली थॉट्स क्रिएट तो इसलिए बाबा ने कहा शुभ भावना शुभ कामना का जो मंत्र दिया है अगर आप उस मंत्र के स्मृति स्वरूप में रहो मतलब उस मंत्र के स्मृति आपकी रहे तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे अपने को जानते हुए भी कि ये ऐसा है ये वैसा है लेकिन अपने को सदा न्यारा उनके वाइब्रेशन से न्यारा और बाबा का प्यारा अनुभव करो जान लिया मान लिया कि ठीक है ये इस आत्मा का संस्कार है यू नो समाइम्स वी थिंक पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स हम कहें हाँ नहीं सब ठीक है सब बेस्ट है सब परफेक्ट है थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स जो जैसा है वो बात को समझ लेना लेकिन अब उसके बारे में व्यर्थ चिंतन नहीं करना सपोज किसी के अंदर झूठ बोलने का संस्कार है सिंपल है झूठ बोलने का संस्कार है अब पॉजिटिव थिंकिंग के नॉट से नहीं ये आत्मा हमेशा सच बोलती है फिर मैं भी झूठ बोल रहा हूँ हाँ सही है। फिर तो मैं भी झूठ बोल रहा हूँ अगर मैं कहूँ ये सच अब पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स ये आत्मा झूठ फूल रही है Accepted. ये इसका संस्कार भी सपोज है अगर हम कुछ राय दे सकते हैं कुछ चेंज लाने में मदद कर सकते हैं तो ओके okay. अगर नहीं तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा मनन चिंतन नहीं अब क्या करेंगे एक्सेप्ट करके हमें अपने को संस्कार के साथ कैसे चलाना है हमें औरों के संस्कार के साथ अपने को चलाना भी तो सीखना है बट हम अगर उनके संस्कार का चिंतन करते रहेंगे तो वो नेगेटिविटी और अगर हम कहेंगे नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छे हैं वो तो परफेक्ट है वो तो बहुत ऑनेस्ट है हमारे से गलती हो जाएगी वी विल नॉट प्रोटेक्ट आर सेल्फ अवेयरनेस ऑफ द अदर पर्सन संस्कार ये संस्कार है